हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि अभी हम लोग वापस से जा रहे हैं हमारे नानी के गांव आठने। तो गाइस, मेरे पीछे भी एक ट्रेन है जो अभी बंद है। तो गाइस, अभी हमारी ट्रेन जो है पास तो हो चुकी है दूसरे गांव से, तो अभी वो थोड़ी देर में आने वाली है। हाँ, तो गाइस चलते हमारे नानी को, तो अभी वेट करते हैं ट्रेन के आने का। सो गाइस, अभी अम्मी एंड मैं जो है गाइस हम लोग जा रहे हैं आठने, हमारे नानी के गाँव में। वहाँ पर एक कुछ तो भी है, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा था आठने, लेकिन फिर मम्मी अकेले जा रहे थे तो मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ, तो गाइस अभी जो है हम लोग रेलवे घर से तो आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, एंड अभी चलते हैं भाई। तो अभी हम लोग ट्रेन का वेट करते हुए बैठे हैं। सो गाइस, अभी जो हमारी ट्रेन भी आ चुकी है, तो अभी हम लोग उठाते हमारा बैग मतलब सामान। तो गाइस अभी जो है हम लोगों की ट्रेन भी आ ही चुकी है, आपको दिख रही होगी। हाँ, तो भाई, तो गाइस अभी चलते हैं आठनेर के लिए निकलते हैं। तो अभी वीडियो को करता बस, पहले अंदर चलते हैं, ट्रेन के बहुत भीड़ है यहाँ पे, सीट मिली नहीं मिले। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में, मम्मी एंड मैं जा रहे थे, तभी ट्रेन में कार्टून में रुकी हुई है। सो भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं, ट्रेन चल रही है। We just make it right, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I want was just a touch of artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we'd just mess it up. Artificial love. Artificial love. चलते अभी नीचे उतरते हैं ट्रेन के, अभी हमको यहाँ से बस के बाद भी जाना है यार। तो गाइस चलते हैं बस स्टैंड। सो गाइज अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड। सो गाइज अभी यहाँ पे यहाँ से गैदरिंग चल रही है ग्राउंड पे, तो वहाँ पे जो है डीजे का साउंड आ रहा है। हाँ, सो गाइज मेरे मम्मी को लगा कि यहाँ से बस स्टैंड मतलब रेलवे स्टेशन से जो है गाइज मुल्तई का बस स्टैंड बहुत ज़्यादा पास में, इसलिए हम लोग जो है गाइज निकल चुके पैदल। लेकिन भाई यहाँ पे इतना दूर है कि भाई थक गया मैं, एक तो ये बैग भी इतना भारी है तो भाई साहब, और भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो वही, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे मेरे, एक तो सर में गाइस एकदम से बहुत खतरनाक जलन होने लगी मेरे। तो गाइस चलते हैं यार, मैं जल्दी से बस स्टैंड पहुँचता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ बस के अंदर बैठ के यार डायरेक्टली। तो वही, तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके बस स्टैंड बस के अंदर। तो गाइस मम्मी बैठे सामने, तो बस पूरी हो चुकी है, बस पहले से खाली तो बंद कर दिया। हाँ, सो वही, तो बस अभी हम लोग निकलने वाले आठ में जाने के लिए। तो भाई काफ़ी ज़्यादा पैर दुख गया यार, मम्मी को लगा कि भाई रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड बहुत ज़्यादा पास है, लेकिन वैसा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दूर है। और ये लोग ऐसे चिल्ला रहे थे मतलब पांडुना। वही, तो भाई चलते नानी घर एंड देखते क्या। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on.
गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ अजमेर नानी के घर पे। तो गाइज मम्मी जो है वो तो मामा के साथ घर पे चले गए गाड़ी से और मैं जा रहा हूँ अभी पैदल पैदल। हाँ तो गाइज चलते नानी के घर पे एंड फिर मिलते हैं आपसे। सो हेलो गाइज मैं वापस आ चुका हूँ आप लोग के साथ। तो गाइज़ अभी जो है हम लोग आ चुके हैं अजमेर में, मतलब आपको तो जैसे कि मालूम ही होगा। तो गाइज़ मैं गया नानी के घर पे चाय पिया वहाँ पे और अभी जो है मैं मामा लोग के साथ में आया हूँ मैरिज गार्डन यहाँ पे। सो सबसे अच्छी लोकेशन गाइज़ यही है अजमेर के अंदर घूमने लायक की, घूमने लायक की कहीं की बस जाते थे ये तो बेकार सा है मैं आपको बताता था, लेकिन अभी हम अंदर नहीं जा रहे, अभी हम लोग जा रहे खेत। तो गाइज़ आपको उस दिन जो हमने पहाड़ बताए आज आपको बताएंगे हम लोग खेत। सो वही तो गाइज़ चलते हैं एंड देखते हैं।